और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अल्ताफ़ हुसैन से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू हुई। अल्ताफ़ हुसैन ने जनरल मुशर्रफ के बारे में हकायक बयान करने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को खराज तहसीन पेश किया। एम के एम एलामी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी उमूर के बारे में अल्ताफ़ हुसैन के तबसरों और ख्याल को मस्बत और दुरुस्त करार दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि हमें मिलकर मुल्क और जमहूरियत के फरोग के लिए काम करना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन ने यूसुफ रज़ा गिलानी से उनके साहबजादे के अब तक बाजियाब न होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया। अल्ताफ़ हुसैन ने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में हकायक बयान करने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप हमेशा सच्चाई से काम लेते हैं और आपने जो हकायक बयान किए हैं वो दुरुस्त हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के फोन पर गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अल्ताफ़ हुसैन से फोन पर गुफ्तगू की और उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अल्ताफ़ हुसैन ने यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे के बाजियाब न किए जाने पर अपनी तश्वीश का इजहार किया। अल्ताफ़ हुसैन ने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में हकायक बयान करने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया।